बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। और इस चैप्टर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टार्ट किया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब इस पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मतलब उनको सॉल्व करना हो, किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो सकता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से किया जाता है, ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखनी है। ठीक है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, एक हम यानी कि एक एक करके हम स्टडी करेंगे उनको। नंबर 1, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, कोई भी मैं यानी कि जनरल एक फॉर्म ले लेता हूँ, ए प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है, ठीक है, आयोटा मौजूद है, और आयोटा के साथ ए और बी जो है दो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको हम चलें हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए जो है इसमें क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, और ये जो बी आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं जो कि ए प्लस बी आयोटा है, ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसे कहते हैं कि अगर ए प्लस बी आयोटा जो है वो किसी और नंबर के इक्वल है, सपोज मैं कहता हूं कि सी प्लस डी आयोटा, ठीक है, अब ये कौन सा नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें भी आयोटा मौजूद है, ठीक है, तो जो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट उसे कहा जाता है, यानी कि इसमें ये रियल पार्ट है, और ये डी आयोटा जो है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी इसके साथ मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो ये भी इस एज ए होल इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये चीज तो हमने देख ली कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और दूसरी चीज ये कि इसमें नोट करने वाली ये थी कि ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि इन दोनों के यानी कि नंबर्स के दरमियान इक्वल का साइन डाला हुआ है, ठीक है, अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के इक्वल है, और उसके अलावा बी डी के इक्वल है, बी जो है वो डी के इक्वल है, वो कैसे, वो ऐसे कि ए क्या है और सी क्या है, ए और सी हमने पहले देख चुके हैं कि ए यहां पर रियल पार्ट है और सी यहां पर रियल पार्ट है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में इक्वल होंगे उसका मतलब ये होगा कि उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि इमेजिनरी पार्ट यहां पर आप देख सकते हैं आयोटा के साथ जो भी है वो इमेजिनरी पार्ट ही उसका कहलाता है, ठीक है, मतलब कि बी जो है वो यहां पर इमेजिनरी है और यहां पर डी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, तो यानी कि आप यहां से देख सकते हैं कि ए और बी, ए और सी जो है वो रियल पार्ट्स हैं, यहां से मैं इसको चलें लिख देता हूं, ये रियल पार्ट्स हैं, रियल पार्ट्स, और यहां से बी और डी जो थे वो इमेजिनरी पार्ट थे, इमेजिनरी पार्ट हैं, तो ये रियल वैल्यूज, लेकिन पार्ट जो है क्यों कौन सा है, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, तो रियल पार्ट जो है वो दूसरे नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो दूसरे नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे, एक तो ये यानी कि आप इसको प्रॉपर्टी कह सकते हैं, ठीक है, या ऑपरेशन कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर पे ये ऑपरेशन है। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ से सेकेंड पे आते हैं हम कि सपोज हमारे पास जो है दो रियल यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो उसी की हम बात करेंगे, मेरे मुंह से रियल नंबर्स निकल गया था। अच्छा, अब यहाँ पर है ए प्लस बी आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और दूसरा नंबर है सी प्लस डी आयोटा, जिस तरह से हमने पहले एग्जाम्पल में भी लिया, सी प्लस डी आयोटा ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इन दोनों को हमने ऐड करना हो तो हम किस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है, ये हमने यहां पर देखना है, यानी कि a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, c प्लस डी आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को हमने ऐड करना है तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसमें आपने ये याद रखना है कि रियल नंबर में ऐड होगा, मतलब कि a प्लस सी,
ठीक है, रियल नंबर को हमने रियल नंबर में ऐड करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। मतलब कि इस केस में, इस नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख सकते हैं बी आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें हम दूसरे नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, डी आयोटा है, ठीक है, तो यानी कि बी आयोटा में डी आयोटा हम ऐड करेंगे। इस तरह से आपने एडिशन करनी है, और इसको मजीद हम यानी कि सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि ए प्लस सी तो चलें कॉम्प्लेक्स रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ये दोनों तो ऐड करना आसान होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स का सम है उसमें आयोटा जो है वो यानी कि कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें से कॉमन लेकर लिख सकते हैं आयोटा को बाहर, ठीक है। मतलब कि हम इसको इस तरह लिखेंगे बी प्लस डी और ब्रैकेट के बाहर हम कॉमन लेकर आयोटा को बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ए प्लस सी दोनों रियल नंबर्स हैं ऐड कर लें, बी प्लस डी दोनों रियल नंबर्स हैं ऐड कर लें, ठीक है, ऐड करना आसान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर्स यानी कि रियल पार्ट्स आपस में ऐड होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होंगे जब भी आपने किसी कॉम्प्लेक्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करनी है। तो अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेशन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन। थर्ड वन में हम क्या पढ़ेंगे कि सपोज एक के जो है वो एक मतलब के आप कह लेंगे रियल पार्ट, ये रियल नंबर है, ठीक है, के बिलोंग्स टू आर, के एक रियल नंबर है। उसके अलावा ए भी हम उसे कहेंगे ए भी रियल नंबर है, ठीक है, और बी भी रियल नंबर है, लेकिन आयोटा जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो चलें अब हम यहाँ पर ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन क्या है कि अगर हमने एक के को यानी कि एक रियल नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी आयोटा के साथ, मतलब कि बी ए प्लस बी आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एक रियल नंबर से, ठीक है। के क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर, ठीक है। और उसके साथ ए प्लस बी आयोटा क्या है, ए प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि हम इसे कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये यानी कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर किस तरह से फाइंड करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, के यानी कि ये के जो है रियल नंबर, ये इन दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा अलहदा से, और इमेजिनरी पार्ट से भी अलहदा से मल्टीप्लाई होगा। चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट, और ये है इमेजिनरी पार्ट। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, के इंटू रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है ए, ठीक है, प्लस के इंटू इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, बी आयोटा, बी आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ आएगी कि हमने रियल नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से तो उन दोनों पार्ट से वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, और रिजल्ट में हमारे पास इस तरह से एक और इमेजिनरी या आप उसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यानी कि इन दोनों, एक तो ये चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है या इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रियल पार्ट से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक और चीज़ इसमें ये नोट करने वाली है कि जो इनका रिजल्ट आया है के ए प्लस के बी आयोटा, ये क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें के ए जो है वो रियल पार्ट बन जाता है, रियल पार्ट। उसके अलावा के बी आयोटा वो क्या बन जाता है, वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें आयोटा मौजूद है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल रिजल्ट इनटू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है रिजल्ट में। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं, फोर्थ वन है, पहले
पहले तीन हम पढ़ चुके हैं, फोर्थ वन बहुत ही आसान है, ठीक है। सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए प्लस बी आयोटा, और दूसरा नंबर हमारे पास है सी प्लस डी आयोटा। जैसा कि हमने फर्स्ट में हमने देखा था कि एडिशन हमने देखी थी, ठीक है, बल्कि सेकंड में एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने देखा था, तो यहाँ पर हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होगा। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए हों, उसको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह से एडिशन थी बिल्कुल सेम है, मैं एडिशन की तरह ही आपको समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो सपोज मैं कहता हूँ कि ए प्लस बी आयोटा जो है वो फर्स्ट नंबर, ठीक है, उसके बाद इस माइनस को हम जो है वो अंदर यानी कि इस ब्रैकेट में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ सी प्लस डी आयोटा, ठीक है। तो यानी कि चलें अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी आयोटा प्लस इस नेगेटिव साइन को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस सी माइनस डी आयोटा। अब ये नेगेटिव साइन इन दोनों के साथ क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि आप ये इससे पहले प्रॉपर्टी देख चुके हैं कि माइनस वन जो है ये माइनस क्या है, माइनस वन ही है ना, तो माइनस वन एक रियल नंबर है, ठीक है, और रियल नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो दोनों पार्ट्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि माइनस वन इंटू सी और माइनस वन इंटू प्लस डी आयोटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया जो कि माइनस सी माइनस डी आयोटा है। अब यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो अब यहाँ पर आप देखें एडिशन में वो कन्वर्ट हमने कर लिया। वो कैसे कन्वर्ट किया, क्योंकि ये नेगेटिव साइन मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैंने अंदर लिख दिया था, ठीक है, तो बाहर हमने हमारे पास पॉजिटिव बच गया। अब इन दोनों की जिस तरह से एडिशन आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, पहले हमने देखा कि किस तरह से ऐड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, बिल्कुल सेम उसी तरह से आप ऐड करेंगे कि रियल नंबर्स रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, यानी कि ए है ये रियल पार्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट माइनस सी है, तो ये आपस में इस तरह से ऐड हो जाएंगे ए माइनस सी। उसके अलावा इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, मतलब के बी माइनस डी और साथ में आयोटा कॉमन है, तो ये आयोटा बाहर कॉमन में लिख दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम कहेंगे, और उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारे पास क्या आया, ए माइनस सी। ए भी एक रियल नंबर है, सी भी एक रियल नंबर है, तो ये रिजल्ट में एक रियल नंबर देंगे, तो इसको हम इसे कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी बल्कि दोनों रियल नंबर हैं और दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें एक रियल नंबर देगी, मतलब कि हम इसे कह सकते हैं रियल वैल्यू आएगी ना हमारे पास, तो रियल पार्ट ये बनेगा रियल पार्ट। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों चलें रियल नंबर हैं और हमें रिजल्ट में सब्ट्रैक्शन के बाद रियल नंबर ही देंगे, लेकिन इसके साथ आयोटा मौजूद है, इस वजह से इसको कहा जाएगा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। मैंने साथ पार्ट क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए, मतलब कि एक रियल पार्ट है, ठीक है, एक रियल वैल्यू है प्लस एक इमेजिनरी वैल्यू है, दोनों एज अ होल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एज अ होल क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें आपके पास रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। और उसके उससे पहले हमने देखा कि एक रियल वैल्यू को आप या रियल नंबर को आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। अच्छा, नेक्स्ट पर आते हैं। अब है हमारे पास के दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है आपस में, ठीक है, मतलब पहले तो हमने प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर देखा था ना, तो अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, साथ में मैं लिख भी देता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, एक नंबर उसी तरह से हम ले लेते हैं ए प्लस बी आयोटा, एक ये नंबर ले लेते हैं और उसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है या जिससे हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, सेकंड नंबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे सी प्लस डी आयोटा, यानी कि ए और बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है और सी और डी की भी कोई रियल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, तो लाजमी नहीं है ये ए और बी और सी डी ही रहेंगे, ये मैं जनरली ले रहा हूँ, ठीक है, वैल्यूज। तो आप स्पेसिफिकली आपको कोई वैल्यूज गिवन हो तो आपने यानी कि रूल्स यही परफॉर्म करने हैं, ऑपरेशन यही परफॉर्म करना है, रिजल्ट में आपके पास वैल्यूज डिफरेंट आ सकती हैं लेकिन वो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा या जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसी तरह से आएगा। अच्छा, अब
हम इनको देखते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से फाइंड करेंगे। जिस तरह से आप फाइंड करते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ही कह लें, ठीक है, या फिर एक्स माइनस वाई, या जो भी इस तरह से कह लें, आप किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं दो इस तरह की वैल्यूज़ को अलजेब्रिक प्रोडक्शन में, किस तरह से फाइंड करते हैं कि फर्स्ट नंबर को दूसरे के फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फर्स्ट नंबर को दूसरे नंबर के सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि एक्स इंटू क्या आता है, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस फिर सेकंड नंबर ले लेते हैं वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं ना, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब कि ए इंटू सी, यानी कि रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट, ए इंटू सी प्लस ए इंटू सेकेंड जो इसका नंबर है इमेजिनरी पार्ट जो है, ठीक है, ए इंटू डी आयोटा। अब ए को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बी आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बनेगा, बी आयोटा इंटू सी, यानी कि बी सी इंटू आयोटा। उसके बाद हम बी आयोटा को इसके डी आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा बी इंटू डी साथ में आयोटा स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर क्यों आया, क्योंकि बी के साथ भी आयोटा मौजूद था, डी के साथ भी आयोटा मौजूद था, बी डी, तो चलो आपस में बी डी इस तरह से मल्टीप्लाई होकर बी डी रिजल्ट आएगा, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको मजीद हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में आएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी इंटू आयोटा स्क्वेयर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, ठीक है, तो इस वजह से इसको हम -1 इससे रिप्लेस कर लेंगे आयोटा स्क्वेयर से, तो हमारे पास रिजल्ट में ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बल्कि अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस वजह से ये माइनस बी डी बन जाएगा, माइनस बी डी। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें कि दो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, एक ए सी है, एक ये ए सी है, और एक बी डी है, माइनस बी डी, ठीक है, ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ए और सी और बी और डी की हमने बात की थी कि वो क्या है, रियल वैल्यूज़ हैं, यानी कि हम यहाँ लिख भी देते हैं ए बी सी डी जो है वो बिलोंग करते हैं रियल वैल्यूज से, रियल नंबर से, ठीक है, तो ये रियल नंबर्स हैं या रियल वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, तो मैं इस तरह लिखता हूँ ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी। अब उसके बाद दो मजीद जो वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं वो क्या हैं, ए डी आयोटा बी सी आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो हम इनको एक साथ लिख रहे हैं, यानी कि रियल वैल्यूज़ को मैंने अलग-अलग लिखा और इमेजिनरी वैल्यूज़ को मैं अब अलग-अलग लिख रहा हूँ, जो कि हैं ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। अब आगे हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं कि इन दोनों यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनमें आयोटा कॉमन आ रहा है, दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, तो हम इनको कॉमन लेकर बाहर एक सिंगल आयोटा लिख लेते हैं, ठीक है, तो चलें पहले तो रियल वैल्यूज़ को हम लिखते हैं ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी और साथ में आयोटा कॉमन बाहर ले आया, ठीक है, तो यानी कि रिजल्ट हमारे पास क्या आया, रिजल्ट में हमारे पास देखें तो आया है ए सी माइनस बी डी, ये सब के सब रियल वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में भी सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी हमारे पास इसमें रिजल्ट में रियल नंबर ही आएगा, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, और ए डी प्लस बी सी ये भी रियल वैल्यूज हैं, लेकिन इसके साथ आयोटा मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये इमेजिनरी है, ठीक है, और आपको पहले भी पता है कि जिसमें रियल प्लस इमेजिनरी मौजूद हो पार्ट्स, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट अगर फाइंड करें तो हमारे पास रिजल्ट में
कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, ठीक है। और किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये इसका मेथड है। अगर आप ये सारा का सारा मेथड नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपली ये यूज़ कर सकते हैं, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी। यानी कि अगर दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, चलें हम ऐसा करेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट किसी का हमने फाइंड करना होगा, तब हम जाके देखेंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होगा, किस तरह से हमारे लिए प्रोडक्ट फाइंड करना इससे आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलें, लेक्चर का वक्त जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे हम इसको पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को।